अब BSNL और टाटा साथ, जियो और एयरटेल VI के, 5G को 4G से देंगे झटका। BSNL अब वापसी को तैयार। देश की नामी ग्रामी कंपनियों ने जमकर बेतहाशा जहां अपने टैरिफ प्लानों में बढ़ोतरी दर्ज की है, तो वहीं BSNL अभी भी अपने पुराने रिचार्ज प्लान के साथ ही आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियों के मुताबिक BSNL का टैरिफ प्लान बेहद सस्ता और इन कंपनियों से कई गुना कम भी है। BSNL के अलावा सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लानों में 25-30% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां महीने का रिचार्ज 149 से लेकर 239 तक का हुआ करता था, वो अब 299 रुपए से लेकर 349 के ऊपर जा चुका है। साथ ही 5G का झुनझुना अलग से इन कंपनियों ने पकड़ा रखा है। 5G की स्पीड देखी जाए तो वो 3G और 4G के मुताबिक बहुत कम है। कंपनियों के पास ना स्पीड है और ना ही आम जनता के लिहाज से कोई सस्ता प्लान। इस बीच एक खबर चर्चा का विषय बन चुकी है और वो है BSNL और टाटा की एक डील। दरअसल ये डील पहले हो चुकी है और इसके मुताबिक BSNL ने सुपर फास्ट स्पीड के लिए टाटा कंपनी के साथ साझेदारी कर रखी है। BSNL की ओर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और टेलीकॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन C.DOT के साथ साझेदारी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सरकारी कंपनी BSNL के 3G स्पीड भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले तेज मानी जाती है। हाल ही में 10,000 से ज्यादा टावरों को BSNL ने इंस्टॉल किया है। BSNL की तरफ से यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब प्राइवेट कंपनियों ने अपने प्लानों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की हो। इससे ये गुंजाइश बहुत अधिक बढ़ चुकी है कि कंपनी जल्द ही 4G सर्विसेज को पूरे भारत में शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि BSNL अभी फिलहाल कई ऐसे इलाके हैं जहां 4G प्रोवाइड कराती है और सर्विसेज अच्छी भी मानी जाती है। आपको बता दें कि अप्रैल महीने तक BSNL ने पूरे देश में तकरीबन 3500 टावर इंस्टॉल किए थे, लेकिन अब जुलाई के महीने में यह संख्या 10,000 पर पहुंच चुकी है। BSNL के 4G टावर लगने के बाद अब BSNL यूजर्स को 5G सर्विसेज की भी उम्मीद जग चुकी है। 4G टावर लगाने का BSNL को एक सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि वह भविष्य में इसे बेहद आसानी से 5G में बदल सकेगी। कंपनी बहुत जल्द ही 5G की सर्विसेज को भी चालू कर सकती है, क्योंकि अभी वह 4G के साथ ही उसे 5G के लिए कंपैटिबल बना रही है। आपको बता दें कि BSNL के यूजरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फिलहाल 4G यूजरों की संख्या अब कई लाख के पार हो चुकी है और इससे ये तरफ माना जा रहा है कि कंपनी बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर BSNL सपोर्ट का अभियान चलाया जा रहा है, चाहे XO जो पूर्व में ट्विटर था, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो अन्य कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर #ISupportBSNL का #hashtag चलाया जा रहा है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आम जनता की जागरूकता के कारण BSNL को फायदा हो सकता है अगर कंपनी ऐसे समय में भी संयम से फैसला ले तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में BSNL के लिए चांदी जैसा अवसर जरूर है। फिलहाल BSNL को लेकर आपकी क्या राय है, और अगर आप भी चाहते हैं कि BSNL तेजी से आगे बढ़े, तो कमेंट बॉक्स में BSNL के लिए जरूर कुछ लिखें और दूसरों के साथ शेयर करके उनसे भी उनकी राय BSNL को लेकर जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।